नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 के न्यायालय परिसर में अभी फिलहाल ही बनी न्यायालय भवन की इमारत का बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारकर उद्घाटन किया। बता दें, बिल्डिंग में बेसमेंट सहित 7 मंजिल है। वही जुडिशियल ब्लॉक के निर्माण पर लगभग 33 करोड़ रूपए की लागत आई है। पेश एक रिपोर्ट। इस भवन के शुभारम्भ के मौके पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सिया वक्स जल वजीफदार न्यायाधीश और भवन समिति हरियाणा के चेयरमैन सूर्यकांत, उच्च न्यायालय के ही जज और फरीदाबाद सत्र मंडल के प्रशासनिक न्यायाधीश राकेश कुमार जैन अतिथि के रूप में उपस्थित थे। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अत्याधुनिक सुविधा से बनी इस न्यायालय भवन से न्यायिक प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोशिश हो रही है कि जो फाइलिंग भी है वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो और अपना कोर्ट्स भी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स बने। कई कोर्ट्स में जैसे दिल्ली में तो 8-9 कोर्ट्स जिसमें पेपरलेस कोर्ट्स, जिसमें अपना जज कोई फाइल नहीं होती, सिर्फ अपना उनकी स्क्रीन पे होता है उसमें करते हैं। और ये कई और हाई कोर्ट्स में भी हो चुका है। फाइलिंग तो लगभग हर हाई कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है। तो काफ़ी हो रहा है, तो हम आशा करते हैं कुछ साल में हो जाए। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से दिव्यांगों के लिए न्यायालय भवन में रैंपों से जाने हेतु व्हीलचेयर सुविधा और न्यायालय परिसर को वाईफाई सुविधा करने के लिए भी कहा। वहीं जस्टिस वजीफदार ने कहा कि ये शानदार और सुविधाजनक भवन जजों, वकीलों और यहां आने वाले लोगों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 2019 से 2020 तक प्रदेश के सभी उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवनों का भी सुधार करके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाएगा। फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन के प्रधान संजीव चौधरी ने मुख्य अतिथि जस्टिस सीकरी का स्वागत व्यक्त करते हुए जिला न्यायालय परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने, वकीलों के चैम्बर निर्माण, हाउसिंग सोसाइटी देने, बार रूम और लाइब्रेरी का प्रावधान करने की भी मांग रखी। दूसरी ओर इस समारोह में मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल चामवुड और सेंट कोलंबस स्कूल फरीदाबाद के बच्चों ने स्वागत गीत, सरस्वती वंदना और राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन न्यूज़।